हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल द मैथमेटिशियन शो। फ्रेंड्स, आई होप यू विल बी फाइन। आज के इस वीडियो में हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि द बेस ऑफ एन आइसोसेल्स राइट ट्रायंगल इज 30 सेंटीमीटर, देन इट्स एरिया इज। मतलब इस क्वेश्चन में जो एक राइट आइसोसेल्स ट्रायंगल है उसका बेस 30 सेंटीमीटर दिया गया है और इसका एरिया हमें फाइंड करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स, इस फिगर में आप देखेंगे कि बेस जो है, बेस वो इस ट्रायंगल के लिए, राइट ट्रायंगल के लिए हाइपोटेनस भी है। मतलब जो राइट ट्रायंगल है एबीसी, इसमें जो बीसी है वो हाइपोटेनस भी है। और हाइपोटेनस किसे कहते हैं हम लोग? राइट एंगल के सामने वाले साइड को। तो एंगल ए अगर राइट एंगल है तो उसके सामने वाला जो साइड है बीसी वो हाइपोटेनस है। तो हाइपोटेनस 30 सेंटीमीटर दिया गया है जो कि इस ट्रायंगल का बेस भी है। बेस जनरली हम किसे कहते हैं? जो निचला भाग होता है, सबसे नीचे वाला भाग। तो इसीलिए बीसी यहाँ बेस कहा गया है क्वेश्चन में। जनरली क्या होता है, ट्रायंगल के अंदर बेस का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ना बेस का कोई कॉन्सेप्ट है, ना परपेंडिकुलर का कोई कॉन्सेप्ट है, चाहे वो राइट ट्रायंगल हो चाहे कोई और ट्रायंगल हो, ठीक है। लेकिन हम लोग बेस कहते हैं जनरली नीचे वालों को, ताकि बच्चे को समझ में आए। वैसे अलग अलग ट्रायंगल मैं अभी आपको दिखा देता हूं, तो उसमें क्या होगा कि आपको समझ में ही नहीं आएगा कि बेस क्या है। तो इसीलिए बेस का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। जैसे कि ये फिगर आप देख सकते हैं, ये दो चार फिगर देख लीजिए। अब आप बताइए, खुद ही नहीं बता सकते हैं कि इसमें बेस कौन है। तो बेस का जो कॉन्सेप्ट आया है वो इसलिए आया है ताकि आसानी हो बच्चों को समझने में और समझाने में, बस इसीलिए बेस का कॉन्सेप्ट यूज़ कर लिया जाता है। जनरली क्या होता है, ट्रायंगल में तीन साइड होता है। अब साइड को आप नेमिंग कर दीजिए, एबीसी कर दीजिए या पीबीएच कर दीजिए। जैसे कि पाइथागोरस थ्योरम में कहा गया है कि हाइपोटेनस जो है उसका स्क्वायर, यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल होगा बाकी दो साइड के स्क्वायर के जोड़ के बराबर। मतलब कि हाइपोटेनस जो है उसका स्क्वायर और बाकी जो दो साइड हैं उसका स्क्वायर का जोड़ बराबर होगा। इसमें कहीं पे बेस और परपेंडिकुलर का कोई जिक्र ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि बेस परपेंडिकुलर बस और बस हम लोग जो है सो यूज़ करते हैं बच्चों को समझाने के लिए, आसान बनाने के लिए। बाकी कोई बेस और परपेंडिकुलर का कॉन्सेप्ट नहीं है। और अगर ट्रिगोनोमेट्री के हिसाब से आप देखें तो वो हम लोगों को रटा दिया गया था कि पी बाई बी, पी बाई एच। हालांकि ऐसा कुछ है नहीं, होना क्या चाहिए, आपने बुक में देखा भी होगा कि साइड अपोजिट टू द थीटा बाई द लॉन्गेस्ट साइड, यानी लॉन्गेस्ट साइड कौन? हाइपोटेनस। वो कभी चेंज होगा ही नहीं। उसी तरह साइड एडजेसेंट टू द थीटा बाई हाइपोटेनस या बाई द लॉन्गेस्ट साइड, इस तरह से होता था। लेकिन क्या है कि आसान बनाने के लिए पी बी एच का यूज़ कर लिया गया, बाकी इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में हम लोग अब क्वेश्चन पे आते हैं। इस ट्रायंगल में जो बेस है वो हाइपोटेनस है इस राइट आइसोसेल्स ट्रायंगल के लिए। तो अगर हम लोग बाकी दो साइड फाइंड कर लें तो इसका एरिया निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलिए इसका दोनों बाकी जो साइड है उसको फाइंड करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके हम लोग लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल्स बी सी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर प्लस ए सी और ए बी दोनों इक्वल है क्योंकि ये राइट आइसोसेल्स ट्रायंगल है। तो इसमें ए बी और ए सी वही दोनों इक्वल होगा क्योंकि हाइपोटेनस लॉन्गेस्ट साइड है, तो ये तो बराबर होगा नहीं, इसीलिए ये दोनों इक्वल है। तो हम ए सी की जगह फिर से हम लोग ले रहे हैं ए बी, ए बी स्क्वायर है, ए बी स्क्वायर मिलकर हो गया टू ए बी स्क्वायर, टू ए बी स्क्वायर इक्वल्स बी सी का वैल्यू गिवेन है, क्या है 30 सेंटीमीटर, तो इसका स्क्वायर निकाल लीजिए, टू ए बी स्क्वायर इक्वल्स 900 सेंटीमीटर स्क्वायर, ए बी स्क्वायर इक्वल्स 900 सेंटीमीटर स्क्वायर बाई टू,
AB² = 450 cm². ये हो गया AB² का वैल्यू। अब हम लोग सीधा सिर्फ इस वैल्यू के ज़रिए ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स 1/2 इंटू ए बी इंटू ए सी, 1/2 इंटू ए बी इंटू ए सी की जगह हम फिर से ए बी लिख सकते हैं, इक्वल्स 1/2 इंटू ए बी स्क्वायर, इक्वल्स 1/2 इंटू ए बी स्क्वायर का क्या वैल्यू था, 450 सेंटीमीटर स्क्वायर, 450 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस ट्रायंगल का एरिया हो गया 225 सेंटीमीटर स्क्वायर।